खींच कर ले आए अपनी बहू को बचा करके, लेकिन अब हमको कुछ वो नहीं बुझा रहा है जो हम कहाँ से आप इस बेड पे ऐसे पड़ी हुई हैं। डेढ़ साल से ऐसे अनुरोध करते हैं कि इतना मदद करें जिससे हमारी भाभी जो आप दवा जो देख रहे हैं इस दवा पे ये बहन जिंदा है। ना चलता हुआ लाठी भैया, ना चलता हुआ तलवार, चलता हुआ खाली बोली के बाहर। हम है समीर चौधरी बिहारी भैया मस्करा रिपोर्टर। आज भैया हम कोई मस्करा करने नहीं पहुंचे हैं। बहुत छोटू और आरती का आप लोगों ने प्रेम कहानी देखा है, लेकिन आज हम सच्ची प्रेम कहानी दिखाने पहुंचे आपको मुजफ्फरपुर जिला में। क्या समस्या है? हमारे वाइफ को मतलब डेढ़ साल से ब्लड कैंसर, शादी के 8 महीने बाद ही पता चला कि ब्लड कैंसर। अब डेढ़ साल से उसके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। शादी के भैया 8 महीना के बाद इनका पता चल गया बा कि इनकर पत्नी के ब्लड कैंसर हवा। उनकर माता पिता कोई समर्थन ना करित हवा, लेकिन यहाँ पे ये उनके पति है, ये वो लोग उनकी ननद है और ये इनकी सास है, जो कभी सास बहु हुआ करती थी, आज सास असली में माँ बन गई है। आइए पूरा वीडियो दिखाएंगे, जानकारी लेंगे आखिर में बहन के साथ कौन सा समस्या है, क्या है, पूरा हम जानकारी लेंगे। आइए आप लोग चलिए अंदर जी। भैया देखिए यही इनका ये कुटिया है, मतलब देखिए एक छोटा सा घर है और देखिए यहाँ पे पूरा समझिए कि मेडिकल बना हुआ है यहाँ पे, मतलब दवाई का दुकान देखिए पीछे पूरा दवा उवा रखा हुआ है। और ये बहन है जो अभी इस ब्लड कैंसर से जूझ रही है। लोगों को बहुत छोटू आरती बहुत तरह का प्रेम कहानी फेसबुक से तक कहाँ से कहाँ बहुत चीज देखा, लेकिन समीर चौधरी जैसे आज यहाँ पे लात रखा तो भावुक हो गया अंदर से, लेकिन रो देने का मतलब समीर चौधरी को सब नाटक बना देता। हम ये सब करने वाले नहीं है। आइए आप यहाँ पे, आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कितना दिन पहले शादी हुआ आपका? 2020 में 2 दिसंबर को हुआ था। 2020 में 2 दिसंबर को। और अभी फिलहाल बहन का मतलब स्वास्थ्य कैसा है और ब्लड जो कैंसर आपका कितना स्टेज पे है? ब्लड कैंसर में क्या है कि ये तो पूरे शरीर में फैला होता है। अच्छा। जो अगर कोई पार्ट में होता है तो स्टेज होता है, इसमें तो पूरा शरीर में रहता है। डॉक्टर का यही कहना है कि 3 साल तक अभी हर चीज कंटिन्यू करना है, अगर 3 साल तक सब कुछ ठीक रहा तो फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन 3 साल अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी कितना साल हो गया? अभी 1.5 साल निकला है। 1.5 साल में अभी तक 40। आप क्या करते थे पहले? मैं तो गुड़गांव में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। अभी जॉब कौन कर रहा है? जॉब छोड़ अभी दिये? अभी कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी हॉस्पिटल यहाँ वहाँ लेके इसी चक्कर में भाग, क्योंकि और कोई करने वाला है नहीं। पैसा से भी हमें ही देखना है, पेशेंट को भी हमें देखना है, सारे पॉइंट से हमें देखना है। अभी कोई सपोर्ट कहीं से भी कोई सपोर्ट वाला कहीं से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको कैसा सपोर्ट चाहिए भाई जी, बताइए आप हमको। अच्छा चाची आप आगे आइए, आप तो सास हैं और जहाँ तक जनता हमारा है, जनता को यही लगता है भैया कि सास भी पहले कभी बहू होती थी, आज सास मतलब क्रूरता वाली सास हो गई, लेकिन आज के डेट में हमको नहीं लग रहा, क्योंकि सास को देखते हुए हमको इनका पैर पकड़ने का मन कर रहा है कि भैया सास माँ बनी हुई है, चेहरे पे पूरा भावुक चेहरा। और मतलब ये कैसे हुआ चाची, मतलब बताइए आप इतना सेवा कर रही हैं और लोगों को मतलब क्या चाहिए आपको, क्या आशा है बताइए लोगों से। इतना दिन से तो जैसे तैसे हम खींच कर ले आए अपनी बहू को बचा करके, लेकिन अब हमको कुछ वो नहीं बुझा रहा है जो हम कहाँ किसके दरवाजे पर जाए, किससे सहारा ले। इसीलिए आपको हमने अथी किए हैं, जो सहारा आपके शरण में आए हैं। वो तो ठीक है, आपने अपना एक बेटा को समीर चौधरी को बुलाया और हमारे तरह पूरा जो देख रहा है सब आपका बेटा ही है, ये तमाम आपका जनता है, एक एक आंसू का आपका कीमत सब जानता है। ऐसा नहीं कि जनता बुरबक है, जनता सब जान रहा है आखिर में कि चाची अगर रो रही है तो हमारा कहना है कि जब शादी हुआ था तो इनकी इनके माता पिता कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग कभी मैंने गलती नहीं है, वो लोग अपने खुद मैंने निसहाय है तो वो लोग हमको क्या मैंने सहायता करेगा। मैंने पैसा से ना था, शरीरवा से तो मदद कर सका था। हाँ, शरीर से भी यहाँ पर लोग नहीं है, लोग नोएडा में है। तो नोएडा कहाँ है? साउथ अफ्रीका में? नहीं है तो नोएडा है इंडिया में। जाएंगे तो उनके माता पिता या भाई या जो भी व्यक्ति है, एक आदमी 24 घंटा इनके पास माथा के बगल में रहेगा। जो अभी देख रहे हैं कि आपकी बहन लोग है पंखा हाँक रही है तो कभी कुछ कर रही है, तो हमारा कहना है चाची कि जो दवाई उवाई जो है ये सब, ये इतना दवाई जो है के खाया ये सब दवाई? ये सब मेरी बहू की। इतना दवाई जी। तो देखिए तमाम हम जनता को ये दिखाना चाहे कि लोग
भैया इतना जो आप दवा जो देख रहे हैं इस दवा पे ये बहन जिंदा है। क्या नाम हुआ आपका? महिमा कुमारी। महिमा कुमारी। महिमा कुमारी जी, मतलब कब से आप इस बेड पे ऐसे पड़ी हुई हैं? डेढ़ साल से। डेढ़ साल से इसी तरह से जी। तो भैया क्या हुआ आपको? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है। अभी अभी आप हाल में आए हैं, क्या करवा के? अभी पैर का सर्जरी करवा के हैं। पैर का कीमो चल रहा है आपको? कीमो कंप्लीट हो गया, पैर का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, कीमो कंप्लीट हो गया और पैर का ऑपरेशन चल रहा है अभी। बाल वगैरह सब आपका उड़ गया है? दो बार निकल गया बाल, दो बार आपका निकल गया। तो देखिए भैया, हम तमाम जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहे हैं कि भलाई कीजिए, लेकिन वैसे जगह भलाई कीजिए जहाँ पे ऐसी बहन लोग देख लीजिए। भैया अपने से समाज को हम दिखा रहे हैं कि देखिए कि इनका देखिए बाल भी उड़ गया है। यहाँ दो दो ननद है जो बहन की तरह सेवा कर रही है। सास, जो लोगों को लगता है कि सास भैया बहू के परेशान करता है, और ये सास है जो दिन रात सेवा कर रही है इनका। ये पति देखिए भैया पंजाब से नौकरी छोड़ छाड़ के बेचारा फटल टी शर्ट पहन ले हवा आके भर दिन रात दिन यह बीवी के सेवा में लगल है। कभी यहाँ से पटना तो कभी यहाँ से दिल्ली तो कभी यहाँ से कहाँ जाते हैं? हिमाचल प्रदेश से भी आयुर्वेदिक दवा चल रहा है, फिर राजस्थान में भिलवाड़ा से चल रहा है। राजस्थान से दवाई लाने जाते हैं, पटना लेके आते हैं। और आपके अभी देखिए दो दो बहने हैं, इनका भी शादी आपको करवाना है। मैंने पूरा लगता है देश के समस्या आपके भाई माथा पे गिर गया है। अब सारा चीज मेरे साथ ही हो रहा है, आप पता नहीं। अब ये दोनों, इसको पढ़ाई लिखाई भी है, फिर आगे शादी है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, समझने की बात नहीं है, सबसे बड़ा बात कि आपके पास समस्या एक देखिए कि सबसे बड़ा बात ये है कि आप पत्नी भैया वो पत्नी कि आज के डेट में देख रहे होंगे फेसबुक का प्यार या छोटू आरती का बहुत तरह का, लेकिन आपका भी प्यार सलाम करने के लायक है भैया कि चाहते तो आप भी पीछे हो सकते थे क्या? चाहते तो भी, लेकिन फिर हमारा अपना फर्ज क्या बनता है? आप कुछ ऐसा करना चाहते कि लोगों को भी अगर बस लोग के मैसेज जाए, मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए कि हाँ मतलब अगर शादी करते हैं मतलब साथ जो सात बच्चे होते हैं जो लेते हैं उसको पूर्णतः निभाए निभाए उसको पूर्णतः निभाए। प्रणाम भैया, देख लिए एगो कोई है जो सात फेरा लेला के बाद एगो बच्चा होला के बाद फेसबुक वाले एगो जवान लड़का से पट जाती है, उसका अलग है कहानी है। और भाई साहब की जो कहानी है भैया दिल भर आया। इनके देखिए दो दो बहने हैं, दो दो ननद है। आप लोग इधर आ जाइए बहन, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये आपकी भौजी हुई हाँ, है? बहुत हाँ, परेशान है आप लोग भी हाँ, रात दिन सेवा में है। कौन हाँ, से क्लास में है आप? ट्वेल्थ पास आउट। ट्वेल्थ पास आउट हो गए आप? ट्वेल्थ में। अभी ट्वेल्थ में है आप। देखिए दोनों बहन का मतलब चेहरा पे पूरा दम भावुक है, दोनों अपने मतलब बोलने के लायक नहीं है। हमारा का नाम है कि थोड़ा सा मेडिकल का कागज लेकर आइएगा वहां से, और तमाम जनता को हम ये दिखा देना चाह रहे हैं कि इतना जो खचा खची जो दवाई भरा हुआ देख लीजिए जिस प्रकार ये दवाई है, या फिर देखिए कि पूरा सुई का सेट है, ये डब्बा में देखिए इतना जो भरा हुआ है, ये सारा दवाई जो है ये बहन खाई है। और देखिए कि यहाँ पे मेडिकल का ये पूरा कागज है। भाई जी ये कब का है? ये वाला ये नवंबर 2021 का है। देखिए तमाम जनता को ये दिखा देना चाहते हैं कि देखिए ये नवंबर 2021 का है ये, और ये कहाँ का ये है मेडिकल? ये महावीर का है, स्टार्टिंग का है, महावीर पटना महावीर कैंसर हॉस्पिटल है हाँ। तो देखिए महावीर कैंसर हॉस्पिटल के अलावा ये कहाँ के अलावा? उसके बाद बी अपोलो अगम कुआ का है। ये अगम कुआ के है। दिल्ली वाला कौन वाला है? दिल्ली वाला है, राजीव गांधी का है। तो देखिए ये दिल्ली राजीव गांधी जो है वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल वहाँ का है। राजस्थान वाला कौन है? देखिए मिथिला का भी, मिथिला कैंसर का है। देखिए मिथिला कैंसर हॉस्पिटल से। और इनका क्या नाम है? महिमा कुमारी। इनका महिमा कुमारी नाम है। कहा है इसमें नाम लिखा हुआ? देखिए तमाम जनता को दिखा देना चाहते हैं हम कि यही महिमा कुमारी जी का नाम है, ये उनका मेडिकल कागज है। किसी को ये ना लगे कि आखिर में भैया जमाना में ठगने वालों की कमी नहीं है, लेकिन समीर चौधरी जो भी बोला है जहां भी गया है ठोक बजा के गया, ठोक बजा के बोला है। आज अगर हम यहाँ आए हैं पटना से चल के तो भैया कुछ तो बात हवा। ये भाई साहब हमारा कई दिन से फोन करे थे, परेशान हला लगभग 15-20 दिन से लगातार कॉल कर रहे हैं। 15-20 दिन से लगातार ये हमको कॉल कर रहे हैं। उससे पहले जब कॉल कर दिए हैं तो बोल रहे हैं कि समीर भैया आपके नाम से कितना लोग हमारा से 500,000 रुपया ठग रहा था, कुछ न्यूज वाले लोग कि समीर चौधरी का नंबर दीजिए तो बोल रहे कि हमको इतना पैसा दीजिए। अब वो कौन भैया न्यूज वाला होगा, यूट्यूब वाला होगा कि क्या वाला होगा, समीर चौधरी ना जाना हुआ, लेकिन शर्म करना चाहिए। अगर समाज में कोई आवाज उठाने वाला आ गया है
तो आप लोग को समर्थन करना चाहिए। आज हम यहाँ आए मात्र और मात्र इस भाई, इस चाची और ये दो बहन और ये एक बहन जो लेटी हुई है, बस इनका हम समर्थन करने के लिए है। तो लेकिन जनता से ये नहीं कहें कि आप कितना दीजिए क्या दीजिए, लेकिन जो दीजिए भाई अपने से ये अपना गूगल पे नंबर बता रहे हैं, फोन पे नंबर बता रहे हैं और इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी, आप चाहें तो वीडियो कॉल आप फोटो देख के आप तब इनका सहयोग करें। क्या है आपका गूगल पे नंबर? मेरा गूगल पे नंबर है 800-283-7673। एक बार तमाम फिर से जनता को हमारा बता दीजिए धीरे धीरे। 800-283-7673 गूगल पे, पेटीएम, फोन पे तीनों नंबर यही है। और इसके साथ ही साथ आपको नीचे आईएफएससी कोड भी डाल दिया जाएगा। तो तमाम जनता से हमारा ये हाथ जोड़ के नम्र निवेदन और अपील है, सहयोग जरूर करें आप लोग, क्योंकि आपके इस एक सहयोग की वजह से इनका परिवार फिर से खुशहाल हो सकता है। भैया कैसे, जब तक आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तब तक, मदद कीजिएगा तो आपका पूरा मतलब आपका भी घर द्वार खुश रहेगा भैया, क्योंकि एक दूसरे का मदद करना चाहिए। अच्छा हम यहाँ पे आए हैं भैया, जनता ही कहेगा आखिर में समीर चौधरी के लोग के रुपया दे दिल के, भैया के रुपया दे दिए चाची, रो भाई था 11,000 रुपया दिए हैं आप। कौन दिया? सर समीर चौधरी। तो हमारा का नाम है कि चाची हमारा अथा शक्ति उतने हम, हमारे पास जो हो सकता था हम उतना कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे हमारा जनता भी जो है ना चाची, जो बिहार के वासी हैं, जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब एक मतलब नरम दिल वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहन बहन का जान तो बच के रहेगा भैया, क्योंकि अभी बिहार के जनता के हाथ में चल गए, भले जनता एक रुपया पांच रुपया जो रुपया सहयोग करे, तमाम जनता आपको सहयोग करेगा। क्या चाहती है बहन आप लोग? बिहार की जनता से अनुरोध करते हैं कि इतना मदद करें जिससे मेरी भाभी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप क्या चाहती हैं? मैं भी वही चाहती हूँ कि बिहार के लोग इतना मदद करें कि मेरी भाभी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी से जल्दी भाभी ठीक हो जाए आपकी। ठीक है, बिहार की जनता आपका आवाज सुन रहा है और बिहार की जनता आपका समर्थन करेगा। देखिए जिस प्रकार हम चाची को, हम कैमरामैन वाले भाई को कहेंगे कि देखिए कि चाची सास है और सास का चेहरा देखिए कि इस प्रकार हो गया जैसे लग रहा है कि अपने 9 महीना कोख में जन्म देने के बाद इनको लाया। देख रहे हैं भैया सास हथुने कैसे रोबित हथे आए। तो हमारा कहना है कि चाची चिंता नहीं कीजिए कि आपका ये वीडियो तमाम उन लोगों तक जा रहा है, जिस प्रकार समीर चौधरी ने आज आपका सहयोग किया है, पूरा बिहार का जनता आपको मदद करेगा, भोजपुरी के वो बड़े बड़े कलाकार आपको मदद करेंगे, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी आपको यहाँ पे मदद करेंगे। तो गूगल पे नंबर, फोन पे जो नंबर दिया आपने, ये किनका नंबर है? ये मेरा नंबर है अमनदीप कुमार के नाम से। थोड़ा सा सामने हो जाइए इसे। अमनदीप कुमार के नाम से आएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों पे मेरा ही नंबर दिया। अगर आपका ये फोन नंबर चालू है, हाँ, आप किसी को कोई अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। तो देखिए भैया सबसे बड़का खुलासा समीर चौधरी कर रहा है, कोई ढोंग धरे वाला बात नहीं है। जिसको भी पैसा देना है, जिस प्रकार एक रुपया दो रुपया पांच रुपया दे के आप लोग परेशान करते थे, परेशान मत कीजिए किसी को, लेकिन हाँ जिसको संदेह होगा, जिसको डाउट होगा, जेकरा लगेगा कि भैया पैसा दे रहा है सो केकरा दे रहा है, भाई साहब को बेझिझक कॉल कीजिएगा। आप चाहिएगा तो वीडियो कॉल के माध्यम से बहन को आप देख भी सकते हैं, आप लोग देखने के बाद चाहे तो सहयोग कीजिएगा, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा समीर चौधरी, यहाँ अपनी मैया क्रिया खा के बोल रहे हैं। भैया ये बहन देखिए कि जिस प्रकार अभी लेटी हुई है कि मुंह चढ़ा हुआ है, इसको ये जो परिवार जो रो कान रहा है, जो बिलख रहा है, और यहाँ तक कि भाई साहब एनी टाइम चाची एनी टाइम इनके सेवा में लगा हुआ है, चाची पूरा भावुक है। और जिस प्रकार समीर चौधरी ने आज 11,000 रुपए का योगदान किया है, मैंने हम इनको दिए हैं, हम ये नहीं कहने के लिए दिए हैं कि हम 11,000 रुपया दिए, इसलिए हम वीडियो में दिखाए भी नहीं, लेकिन हम तमाम जनता से ये कहना चाहेंगे क्या समीर चौधरी 11,000 रुपया दिया है अपने बहन के नाम पे, आप लोग देखते हैं कितना लोग है जो के रुपया देते हैं और इस बहन को आप बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। क्या लगता है बहन, बिहार की जनता बचा लेगा आपको? हाँ लगता है तो है, अपने सहयोग से बचा लेंगे। बचा लेंगे जी। अपील करते हैं आप बिहार की जनता से? हाँ अपील कर रहे हैं, जो जितना हो सके हेल्प करे, जो हमारे ट्रीटमेंट में खर्च हो सके, जो हम बच पाए। अच्छा आपको मतलब शरीर में पूरा दर्द वगैरह भी होता है? हाँ दर्द वगैरह होता है, 5-6 बोन मैरो हो रखा है, कीमो है, प्लस ऑपरेशन हुआ है पैर का, है ना? हाँ सब हो रखे हैं। तो देखिए भैया ये बहन का ये जुबानी यही है कि इनको विश्वास है कि बिहार की जनता इसको बचा लेगा। तो लीजिए भैया इसी के साथ करते हैं हम इस शो को यहीं पे समाप्त, मिलेंगे अगले जगह नए लोगों के साथ। जय हिंद जय बिहार।